हिंदी में बोलेंगे इसको आत्मविश्वास का प्रभाव। ओके, आपको ब्लू कलर से लाइन दिखाई देगी जहां मैं पढ़ूंगी, आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना सीखना है। फर्स्ट लाइन देखेंगे, एक का बाल का आशी, एक लड़का था तस नाम एकलव्य आशी, उसका नाम एकलव्य था। सह धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म, उसको धनुष विद्या सीखने की इच्छा थी। एकदा सह द्रोणाचार्य समीपम आगच्छत अवदत च, एक बार वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहने लगा, गुरुदेव अहम् अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, गुरुदेव मेरी भी धनुर्धर बनने की इच्छा है, कृपया मां स्वीकुरु, कृपया मुझे स्वीकार करें। ओके, आगे देखेंगे, आचार्य तत् वदत्, गुरुदेव ने कहा अहम् कौरवान् पांडवान् च पाठयामि, मैं कौरवों और पांडवों को सिखाता हूँ। अहम् भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि, मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु आचार्यं प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्, लेकिन उसका अपने गुरुदेव के प्रति विश्वास जरा भी कम न हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सह आचार्यस द्रोणस्य एकां मूर्तिम अरचयत्, उसने आचार्य द्रोणाचार्य का एक पुतला बनाया, या उसको मूर्ति भी बोल सकते हैं कि एक मूर्ति बनाई। सह प्रतिदिनम मूर्तिम अन्यत, वह मूर्ति के आगे प्रतिदिन शीश झुकाता। प्रातः कालात सायं पर्यंत धनुर्विद्या विद्यायाः अभ्यासं अकरोत्, सुबह से शाम तक धनुर्विद्या का अभ्यास करता। सनह सह कुशलः धनुर्धरः अभवत्, धीरे धीरे वह कुशल धनुर्धर बन गया। एकदा तस्मिन् वने गुरु द्रोणः पांडवै कौरवै च सह आगच्छत्, एक दिन उसी वन में गुरु द्रोणः पांडवों और कौरवों के साथ आए। एकः कुकुरः, आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है इसका पैराग्राफ, तान दृष्ट्वा अवशत, पूरी लाइन का एक साथ अर्थ देखेंगे, एक कुत्ता उनको देखकर भौंकने लगा। ओके, अर्जुनः धनुष्यम् उत्थापयति स्म, अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, तदैव एकलव्य बाणैः तस्य कुकुरस्य मुखम् अशिव्यत्, तभी एकलव्य ने उस कुत्ते के मुंह को बाणों से सिल दिया। द्रोणाचार्य एतत्, आगे देखेंगे लाइन, दृष्ट्वा तत् आगच्छत् तं च अपृच्छत्, यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य वहां आए और उससे पूछने लगे। कहा तब आचार्य, तुम्हारा गुरु कौन है? तदा सह द्रोणाचार्यं तां मूर्तिं अदर्शयत्, तब उसने गुरु द्रोणाचार्य को वह मूर्ति दिखाई। नेक्स्ट लाइन, एकलव्य गुरु श्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकम् अस्ति, एकलव्य गुरु पर श्रद्धा और खुद पर श्रद्धा का प्रतीक है। एकलव्यः अस्मान्
शिक्षयति स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञः भवतु। एकलव्य हमें सिखाता है अपनी ही बुद्धि से स्वयं का विकास होता है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कापि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। यदि हम स्वयं पर भरोसा करते हैं तो कोई भी लक्ष्य अर्थात सिद्धि को प्राप्त करना दुर्लभ नहीं होगा। अंतिम लाइन देखते हैं, अनंतरम आत्मश्रद्धाया बलेन सह श्रेष्ठः धनुर्धरः अभवत्। अंत में आत्मश्रद्धा के बल पर वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। ओके स्टूडेंट।